हेलो फ्रेंड्स, एनटीए डिक्लेयर्स द जेडब्ल्यू मेन टू जेडब्ल्यू मेन पेपर टू एग्जाम्स रिजल्ट्स। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट और एनालिसिस करेंगे उसके बारे में। तो एनटीए ने अभी जो जनवरी में एग्ज़ाम ले ली थी पेपर टू, मतलब जो आर्किटेक्चर का जो कोर्स है उसके लिए जो एग्ज़ाम लिया थी एनटीए ने, तो उसका रिजल्ट अभी डिस्प्ले हुआ है। तो आप जाके देख सकते हो nta.ac.in एंड jeemain.nic.in। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप जाके आप आपका रिजल्ट देख सकते हो। तो जो अब जब हम एनालिसिस करेंगे इस एग्ज़ाम का, तो दो स्टूडेंट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश टॉप किया है उन्होंने, 100 परसेंटाइल्स उनको स्कोर मिला है। अभी जो एग्ज़ाम है एनटीए ने जो है परसेंटाइल के इन टर्म्स ऑफ द परसेंटाइल दे हैव रिलीज देयर रिजल्ट। और जो आगे की एग्ज़ाम होगी जो मतलब अप्रैल में उसकी दूसरा सेकंड जो फेज है, तो वो फेज होने के बाद ओवरऑल इंडियन रैंक डिस्प्ले हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप थोड़ा समझ के लीजिए कि ये फाइनल रैंक नहीं है, रैंक में अभी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। जब फाइनल एग्ज़ाम होगी आपकी अप्रैल की, तो आपका फाइनल रैंक को डिस्प्ले हो जाएगा। अभी जो जनवरी में जो एग्ज़ाम हो गई थी पेपर टू के लिए, तो नियर अबाउट 1,80,052 स्टूडेंट्स हैज़ रजिस्टर फॉर दिस एग्ज़ाम एंड 1,45,386 स्टूडेंट्स हैज़ अपियर फॉर द एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन मेरे हिसाब से थोड़ा कम है इस बारे में, लेकिन अप्रैल में वो बढ़ जाएगा। तो आपको रैंक में और आपको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अभी से आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट्स उनको जिनको अच्छे मार्क्स मिले, तो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो स्टूडेंट्स अभी स्कोर ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ दूंगा। अभी स्टूडेंट जो है स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में बिजी होंगे, तो मैं आपको सबको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड जो आपके एग्ज़ाम रहेगी। और आशा करता हूँ कि आपकी जो नेक्स्ट फेज़ होगा उसमें आपको अच्छे स्कोर आ जाएंगे। और उसके साथ मैं एक थोड़ा अनाउंसमेंट भी ऐसा करना चाहता हूँ एनटीए की तरफ से, कि जो पेपर टू होने वाला है अप्रैल में, मतलब सेकेंड फेज, उसकी भी एनटीए ने डेडलाइंस जारी की है। तो 8 फरवरी से आपकी एग्जाम, मतलब आपको फॉर्म फिलअप करने का है, और वो 7 मार्च को बंद हो जाएगा। 8 मार्च तक आपका फ़ोटो या एग्ज़ाम फीस आप पेड कर सकते हो, तो वो भी आप उसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट लीजिए। एक बार फॉर्म भर के आप पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको जो JEE मेन की एग्ज़ाम है पेपर वन और पेपर टू के बारे में मैं रेगुलर आपको अपडेट दे दूंगा थ्रू माई चैनल्स। सो यू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, शेयर विद द अदर 12th क्लास स्टूडेंट, सो दैट दे विल गेट द एवरी अपडेट रिगार्डिंग द JEE मेन एग्ज़ाम। और मैं आपको हर एक आपकी जो एग्ज़ाम आने वाली है अभी बोर्ड की, और उसके बाद जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी, तो उसके लिए आपको मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। तो आप पढ़ाई हार्ड वर्क से कीजिए, आपको सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। और आगे का मैं वीडियो पेपर टू का जो आंसर की है, जो अभी एनटीए ने रिलीज भी की है, तो उसके हिसाब से मैं आपका एनालिसिस, पूरा एनालिसिस डिटेल्स आगे की वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। तो आपको मैं आप और वीडियो लेक्चर भी अपलोड करूंगा, जो फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री जो JEE मेन के लिए इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके मैं टॉपिक कवर कर दूंगा मेरे वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन कमेंट्स ऑन द वीडियो, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा थ्रू माई चैनल। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।